बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स टू द सब्जेक्ट इंजीनियरिंग सर्वेंग। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल कवर द फोर बियरिंग्स एंड बैक बियरिंग्स। तो कमिंग टूवर्ड्स आवर प्राइमरी लैंग्वेज दैट इज उर्दू, आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन प्राइमरी लैंग्वेज उर्दू। सो यहाँ पे अगर आप देख ले, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो स्टेशन है। फर्स्ट नंबर पे मेरे पास आ रहा है स्टेशन ए, और इसी स्टेशन ए पे मैं कंपस रखता हूँ। तो प्रिज्मेटिक कंपस जब मैं रखता हूँ तो वो नॉर्थ से एंगल को मैयर कर लेता है, और दूसरी तरफ पे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है स्टेशन बी। तो स्टेशन ए से कोई भी लाइन में ड्रा कर रहा हूँ स्टेशन बी की तरफ। इस स्टेशन ए और स्टेशन बी की तरफ ये जो लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ, इधर एक कंपस जब मैं रखूँगा तो उस कंपस से ये यहाँ पे मेरे पास एक एंगल आएगा। ये एंगल, इसको हम कहते हैं बेयरिंग। तो इस बेयरिंग को मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल अल्फा। ये इस पॉइंट ए से जब आप दूसरे पॉइंट बी की तरफ देखते हैं या मेयर करते हैं एंगल को, तो ये कहलाता है फोर बेयरिंग। यानी ये है कि स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ मैं आगे जा रहा हूं, तो ये मेरे लिए फोर बेयरिंग कहलाएगा। बैक बेयरिंग्स का मतलब ये होता है कि मैं इस स्टेशन बी पे आ गया हूं, और स्टेशन बी से पीछे की तरफ मेरे पास ये जो स्टेशन है उसको मैं देखता हूँ, तो ये बैक बेयरिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसी स्टेशन बी पे आ गया हूँ, और इस स्टेशन बी के साथ भी मैं एक नॉर्थ लाइन लगा लेता हूँ। अभी यहाँ पे इस लाइन को अगर आप देख ले तो ये इस तरह एक्सटेंड हो रही है, यहाँ पे ये लाइन एक्सटेंड हो रही है। तो इधर से लेके यहाँ इस नॉर्थ से मेरे पास एक और एंगल बनेगा जब मैं कंपस रखूंगा प्रिज्मेटिक कंपस, तो ये यहाँ से यहाँ तक मेरे पास एंगल आएगा इसका। तो फर्स्ट जब मैं इधर से देख रहा था स्टेशन बी की तरफ, तो ये एंगल मुझे दे रहा था फोर बेयरिंग। अभी अगर मैं इसी स्टेशन पे आके स्टेशन बी पे कंपस रख रहा हूँ और पीछे देख रहा हूँ स्टेशन ए की तरफ, तो ये मुझे बैक बेयरिंग्स की वैल्यू दे रहा है। सेम ही अगर इसको मैं आगे लेके जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल स्टेशन सी मेरे पास यहाँ पे कई लाइक कर रहा है, इसको मैं कह देता हूँ स्टेशन सी। और स्टेशन सी के लिए इसी नॉर्थ से जब आप देखेंगे इस एंगल को लेंगे स्टेशन सी की तरफ, तो ये कहलाएगा फोर बियरिंग। मतलब ये है कि जब हम जितना आगे आगे जाएंगे तो हमारे लिए फोर बियरिंग होगा, जब हम पीछे की तरफ वापस मुड़ के देखेंगे तो वो बैक बियरिंग कहलाएगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पे स्टेशन सी है, स्टेशन सी पे जब हम कंपस रखते हैं तो स्टेशन सी पे जो से जब हम बी को की तरफ देखेंगे, तो जितना एंगल हमारे पास आएगा, जितना बेयरिंग आएगा, उसको हम बैक बेयरिंग कहते हैं। सेम ही इसी स्टेशन से अगर मैंने जाना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेशन डी की तरफ, तो स्टेशन सी से स्टेशन डी की तरफ, तो ये हो जाएगा सी डी। तो इधर मैं जब कंपस रखूंगा तो ये मेरे लिए नॉर्थ के साथ देगा इस तरफ पे एंगल, या इसको मैं कह देता हूँ फोर बियरिंग। और इसी से अगर वापस मैंने इसी डी से सी की तरफ देखना है, तो ये मुझे दे देगा स्टेशन सॉरी बैक बियरिंग्स। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है कि फोर बियरिंग क्या है और बैक बियरिंग्स क्या है। अभी हम देखते हैं कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को हम कैसे ऐड और माइनस कर सकते हैं, किस तरह हम इनसे अपने लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने पहले कह दिया है कि इफ द हमारे पास ये फोर क्वाड्रेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है क्वाड्रेंट्स को मैं ड्रा कर लेता हूँ, इधर एक लाइन इधर और एक यहाँ पे, और इसको मैं कह देता हूँ नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। तो चार मेरे पास आ जाते हैं क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट नंबर वन, ये क्वाड्रेंट नंबर टू, ये क्वाड्रेंट नंबर थ्री और ये क्वाड्रेंट नंबर फोर। अगर मेरे पास जो फोर बेयरिंग है, यानी ये वाला जो बेयरिंग है, अगर ये कहीं इस क्वाड्रेंट में वन में या टू में लाई कर रहा है, तो फिर क्या सिचुएशन होगी, या थ्री और फोर में लाई कर रहा है तो फिर क्या सिचुएशन होंगी। तो जब इससे हम बेयरिंग निकालेंगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, मतलब ये है कि एंगल की वैल्यू लेस देन 180 है। आप देख सकते हैं यहाँ से जीरो, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 180। जब एंगल यहाँ पे हो या यहाँ पे हो,
यानी फोर बियरिंग या यहाँ पे हो या इस सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो उसकी वैल्यू 180 से लेस है। जब 180 से लेस है तो बैक बियरिंग की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी बी बी, बैक बियरिंग इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फोर बियरिंग्स, फोर बियरिंग्स प्लस 180। ठीक है जी, किस तरह ये आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इधर ले लेता हूँ, यहाँ पे कहीं पे ये इसको एंगल कह देता हूँ अल्फा, तो ये है फोर बियरिंग, ये मेरे पास आ जाएगा फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री। ठीक है जी, तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि जब वैल्यू लेस देन 180 हो तो उसको हम ऐड कर लेंगे ब्लैक बियर, ऐड करेंगे 180 के साथ बैक बियरिंग निकालने के लिए। अगर ये वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहीं पे आ रही है, इधर कहीं पे आ रही है, तो फिर भी हम इसको इसको मैं कह देता हूँ बीटा, तो तब भी बीटा प्लस 180 डिग्री, तब भी हम इसको ऐड करेंगे। तो ये दो तरीके हैं कि जब वैल्यू फोर बियरिंग की इस क्वाड्रेंट में आएगी या इस क्वाड्रेंट में आएगी, तो हम इसको 180 के साथ ऐड करेंगे, तब बैक बियरिंग की वैल्यू इस तरह निकल आएगी। दूसरी तरफ पे ये है कि अगर इसी को दोबारा मैं ले लेता हूँ, इन क्वाड्रेंट्स को, इस थर्ड क्वाड्रेंट को और इस फोर्थ क्वाड्रेंट को, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल वैल्यू आ रही है फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको मैं कह देता हूँ अल्फा बीटा, ये हो जाएगा गेमा, तो इसके लिए मैं बैक बियरिंग कुछ यूँ निकालूंगा कि बैक बियरिंग इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फोर बियरिंग एफ डी माइनस 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आप इधर देख सकते हैं ये हो जाएगा सारा 180 और इससे ये आप माइनस करेंगे तो ये बैक बियरिंग की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सेम ही ये आप देख लें गेमा के लिए माइनस 180 डिग्री, और इसको मैं अभी इस फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सिग्मा के लिए कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैक बेयरिंग इज इक्वल टू सिग्मा माइनस 180 डिग्री, तो यहाँ तक ये कुछ रूल्स हैं जो इसके लिए हम लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको फोर बियरिंग्स और बैक बियरिंग्स की समझ आई होगी। दोबारा इसको थोड़ा सा एक रिव्यू देते हैं। फोर बियरिंग्स हमारे पास वो बियरिंग्स होती हैं जब हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेशन ए पे हम खड़े हैं, कंपास हमने रख दिया है, उसको लेवल कर दिया है और उसको सेंटर कर दिया है। सेंटर लेवलिंग के बाद इसको हम स्टेशन बी की तरफ देखते हैं, तो स्टेशन बी पे जितना भी हमारे पास यहाँ पे एंगल बन रहा होता है तो उसे हम कहते हैं फोर बियरिंग्स। और उसी को जब हम दोबारा उसी कंपास को यहाँ बी पे लेके आते हैं और बी से हम वापस देखते हैं, तो वो एंगल मेरे पास जो बनता है उसको बैक बियरिंग्स कहते हैं। जब उसी बी से हम सी की तरफ आते हैं तो ये मेरे लिए फोर बियरिंग होगा, उसी से वापस देखता हूँ तो ये बैक बियरिंग होगा। सेम ही यहाँ पे डी पे, डी पे अगर मैं कंपास को रख लेता हूँ, सी को की तरफ देखता हूँ, तो ये बैक बियरिंग होगा और सी से डी मेरे लिए फोर बियरिंग कहलाएगा। अगर अभी देखना ये है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैक फोर बियरिंग हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो और फोर्थ में हो, तो फिर क्या हम करेंगे उसके साथ। जब बैक बियरिंग निकालना हो हमने, तो फर्स्ट के लिए हम ये करेंगे कि इसके साथ 180 को प्लस करेंगे, सेकंड के लिए करना हो तो उसके साथ भी 180 को प्लस करेंगे, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने इसको 180 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने देख लिया है कि बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री, यहाँ पे मैंने लिखा अल्फा प्लस 180 डिग्री, यहाँ पे बीटा प्लस 180 डिग्री, और यहाँ पे इन दोनों के लिए फोर बियरिंग माइनस 180, और यहाँ पे सेम ही इस सिग्मा माइनस 180 डिग्री। तो उम्मीद है कि यहाँ तक के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।